हेलो सुपर फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें बहुत सी पावरफुल रेसेस देखने को मिली हैं, जिनमें से एस्गार्डियंस और इटर्नल्स गॉड लाइक कैरेक्टर्स हैं। और आज का शोडाउन भी इन्हीं दो पावरफुल पीपल में से दो पावरफुल नारियों के बीच में है, एस्गार्डियन हेला वर्सेस इटर्नल थीना। अब दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से ये शोडाउन डिजर्व करती हैं। जैसे दोनों हजारों साल पुराने वॉरियर्स हैं, दोनों बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और हेला और थीना दोनों बहुत ज्यादा मैजिक भी यूज करते हैं, और ये लेडी वॉरियर्स मैजिक के यूज से ही वेपन्स मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो इन्हीं सारी सिमिलैरिटीज की वजह से हम शोडाउन प्रेमियों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हेला और थीना में से कौन ज्यादा पावरफुल है, या अगर इनके बीच कभी कोई फाइट हो तो किस महिला के ज्यादा चांसेस हैं इस हाइपोथेटिकल फाइट को जीतने के। तो पूरी एक एक डिटेल को बारीकी से एनालाइज करके हम आज के शोडाउन का विनर डिसाइड करेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर redwolf.in के बारे में आपको बताता हूँ। रेडवुल्फ एक ग्राफिक टी शर्ट और एसेसरीज ब्रांड वेबसाइट है, जहां आपके और मेरे जैसे सुपर हीरो फैंस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहां आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड हाई क्वालिटी टी शर्ट्स मिलेंगी। जैसे भी रिसेंटली कई सारे एमसीयू डिज्नी प्लस शोज और मूवीज आई हैं, जैसे लोकी, व्हाट इफ, शैंगची, तो ऐसे ही हर लेटेस्ट सुपर हीरो थीम से रिलेटेड कई सारी कूल टी शर्ट्स यहाँ से आप ले सकते हो। साथ में स्टिकर्स और मग्स जैसी एसेसरीज भी यहाँ पर मिलती हैं। इनफैक्ट ये जो टी शर्ट इस समय मैं पहने हुए हूँ वो भी मैंने रेडवुल्फ से ही ली है, और यही नहीं और भी बहुत सारी टी शर्ट मैंने रेडवुल्फ से ऑलरेडी मंगाई हुई है। और भी प्लानर्स से स्टिकर्स और मग्स मैंने रेडवुल्फ से लिए हैं, जिसका सिंपल एक रीजन है इनके प्रोडक्ट्स की सुपर क्वालिटी। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और इस प्रोमो कोड का यूज करके redwolf.in से शॉपिंग करते हो तो आपको 10% का भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ठीक है, फिर कर लो दीपावली की शॉपिंग यहीं से। तो अब आते हैं आज के शोडाउन पर। सबसे पहले थीना के बारे में बात करते हैं। थीना एक इटर्नल है। ये इटर्नल्स लगभग इमॉर्टल लोग हैं, जिनको सेलेस्टियल्स ने जेनेटिकली इंजीनियर करके क्रिएट किया था, जो ओलंपिया प्लेनेट से अर्थ पर स्टोन एज के अराउंड आए थे ताकि ह्यूमैनिटी को डेविएंट से प्रोटेक्ट कर सकें। अब एक चीज जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को क्रिएट किया था, लेकिन इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत सेलेस्टियल्स को आखिर पड़ी ही क्यों? आखिर क्यों सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को क्रिएट किया? तो इसका जवाब हमें मार्वल कॉमिक्स में मिलता है, जहां ये बताया गया कि लगभग 1 मिलियन ईयर्स पहले सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए जब ह्यूमंस एप से इवॉल्व ही हो रहे थे, और सेलेस्टियल होस्ट को ह्यूमन जीन्स काफी इंटरेस्टिंग लगे, तो उसने उन शुरुआती ह्यूमंस पर कई सारे अलग अलग जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनसे होमो सेपियंस मिले, और साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स में जेनेटिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, जिनको डेविएंट्स का नाम दिया गया, और एक और एक्सपेरिमेंट में परफेक्ट रिजल्ट मिले जो सर्वगुण संपन्न थे, और इनको इटर्नल्स कहा गया। इटर्नल्स पूरी तरह से सेलेस्टियल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और यही उनकी लाइफ का पर्पस भी है। तो यही रीजन था कि सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया, ताकि वो उनके काम को आगे बढ़ा सकें। थीना भी एक इटर्नल है, जो अपने क्रिएशन के बाद से ही ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रही है। वैसे थीना की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। थीना का प्यार मोहब्बत कई बार पूरी अर्थ को खतरे में ला चुका है। तो पहले शुरुआत में थीना का नाम एजुरा था, और लगभग 1 लाख साल पहले उसको क्रो नाम के डेविएंट से प्यार हो गया, लेकिन ये प्यार इटर्नल समाज को रास नहीं आया और इन दोनों को ब्रेकअप करना पड़ा। उस ब्रेकअप से उभरते ही उसकी लाइफ में एक और डेविएंट लवर आ गया। अजूरा यानी थीना को लगा ये वाला अलग होगा, लेकिन ये डेविएंट भी थीना को धोखा दे रहा था। खैर, थीना ने उसे मार दिया, और ऐसे करते करते थीना की लाइफ में बहुत सारे डेविएंट लवर्स आए, लेकिन कोई भी हमसफर नहीं बन पाया। और बाद में ओलंपियन गॉड्स और इटर्नल्स के अलायंस बनने पर अजूरा का नाम बदलकर थीना हो गया। तो ये रही एक छोटी सी हिस्ट्री कम ओरिजिन स्टोरी ऑफ थीना। अब थीना की स्पेशल पावर्स की बात करते हैं। तो थीना के इटर्नल बनते ही उसको सेलेस्टियल्स की कृपा से कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिल गई, जिसको वो कई अलग अलग तरह से यूज कर सकती है, जैसे लाइट प्रोड्यूस करना या हीट प्रोड्यूस करके आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देना, जो कि एंजेलिना जॉली भी अच्छे से कर लेती हैं, और कंकसिव ब्लास्ट कर सकती है थीना। इसके अलावा जो सबसे अच्छा यूज है कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन का, वो है वेपन मैनिफेस्टेशन, यानी वो इस पावर से मनचाहे वेपन्स क्रिएट कर सकती है, जिनमें से ज्यादातर स्वॉर्ड्स के शेप के होते हैं। एक इटर्नल होने की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। वो लगभग 25 टन की चीज को आराम से लिफ्ट कर सकती है, मतलब लगभग एक लोडेड फायर ट्रक को वो अपने हाथों से ही उठा सकती है, और कोई भी एक्स्ट्रा पावर उसे यूज नहीं करनी होगी। इन सारी बेसिक सुपर पावर्स के अलावा थीना का हीलिंग फैक्टर इतना अच्छा है कि वो किसी भी इंजरी से रिकवर हो जाती है, इसीलिए इस तरह सारे इटर्नल्स लगभग इमॉर्टल हैं। थीना के पास टेलीकाइनेटिक पावर भी है, जिससे वो डिस्टेंस से ही दूर दूर की चीजें मेंटली मूव कर सकती है। इसी पावर की हेल्प से थीना खुद को हवा में उड़ा भी सकती है, और काफी अच्छी खासी स्पीड से उड़ा सकती है। बस इकारिस जितनी फास्ट नहीं है, इकारिस 850 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, तो थीना इतनी तेज नहीं उड़ पाएगी। थीना अपनी इटर्नल टीममेट सर्सी की तरह ही मॉलिक्युलर मैनिपुलेशन करके एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। थीना के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। एक जगह से काफी दूर दूर तक की डिस्टेंस तक वो टेलीपोर्ट हो सकती है। बस इस टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करने पर थीना की कॉस्मिक एनर्जी काफी हद तक ड्रेन हो जाती है। इटर्नल पावर्स के अलावा हजारों सालों से जिंदा रहने का एक बेनिफिट ये भी है कि थीना अर्थ के सभी कल्चर्स को समझती है, और अर्थ के हिस्ट्री की लगभग सभी कॉम्बैट स्टाइल्स और वेपनरी की अच्छी
अच्छी खासी नॉलेज रखती है, जिससे वो एक परफेक्ट और स्मार्ट वॉरियर बन चुकी है। थीना का फेवरेट वेपन स्पेयर है, जो मूवी के ट्रेलर्स में भी हमें देखने को मिला था। अब इतनी सारी पावर्स के साथ थीना की एक वीकनेस भी है, जो कि लगभग हर एक इटर्नल की वीकनेस है। वो ये कि थीना के अपनी बॉडी मॉलिक्यूल्स पर मेंटल कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर ये मेंटल कंट्रोल किसी तरह से ब्रेक हो जाए तो उस पॉइंट से हील करना थीना के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये थीना की एक वीकनेस है। तो ये तो था थीना के बारे में सब कुछ। अब मैंने सोचा थीना के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, जिससे शोडाउन बराबरी पर आ सके, क्योंकि हेला के बारे में तो थॉर रैग्नारोक में सब पता चली गया था कि कैसे ओडिन की फर्स्ट बोर्न गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने ओडिन के साथ मिलकर कई सारी वॉर्स जीती थी, लेकिन जब हेला आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उधर ओडिन का लड़ाई झगड़े से मन भर गया, तो ओडिन ने कहा बस बहुत हो गया हेला, एसगार्ड में ओडिन का वचन ही है शासन, तो इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं, शांति का माहौल बनाओ। लेकिन हेला की जवानी के जोश ने और गर्म खून ने पापा ओडिन के ऑर्डर्स को कैंसिल करना चाहा। गुस्से में पापा ओडिन ने अपनी बड़ी बेटी हेला को हेल डायमेंशन में भेज दिया और ऐसा जादू टोना किया कि जब तक ओडिन की सांस में सांस रहेगी, हेला वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन जब ओडिन ने अपने सगे बेटे थॉर और गोद लिए बेटे लोकी के सामने अपनी आखिरी सांस ली और गोल्डन कलर का धुआं धुआं बनकर गायब हो गए, तो हेला बिना एक भी सेकंड गंवाए एसगार्ड की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने के लिए वहां पर आ गई। भाई बहनों में वाद विवाद हुआ, जो काफी लंबा चला, पर एंड में हेला को प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिल पाया। तो ये तो रही हिस्ट्री ऑफ हेला जो थॉर रैग्नारोक में दिखाई गई। वहीं पर हेला की काफी कूल सुपर पावर्स भी देखने को मिली, जैसे एक एसगार्डियन और स्पेशली रॉयल एसगार्डियन होने की वजह से हेला के पास काफी सुपर नेचुरल पावर्स थे। पूरी थॉर रैग्नारोक देखने से एक चीज क्लियर हो गई थी कि हेला से ज्यादा पावरफुल केवल जवान ओडिन और फायर डेमन सर्टर, वो भी अपनी फुल पावर में ही थे। तो यही दो लोग थे, और बाकी थॉर की इतनी पावरफुल लाइटनिंग अटैक का भी हेला पर कोई असर नहीं पड़ा, एक खरोंच भी नहीं आई। वेलकिरीज की पूरी आर्मी को अकेले ही चॉप चॉप कर डाला। उससे पहले मियोनिर, जो कि मूवी में दिखाया गया कि पहले हेला का ही वेपन था, उसको हेला ने इतनी बुरी तरह से क्रश कर डाला जैसे मेरी क्रश ने मेरी फीलिंग्स को। अब हेला जिस पावर का सबसे ज्यादा यूज करती है वो है नेक्रो स्वॉर्ड समन करने की, जहां वो स्वॉर्ड शार्प ऑब्जेक्ट्स और कई सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकती है। साथ में 12 सिंगा वाला हेलमेट भी उसके पास था, जिसका साइज पूरी मूवी में टाइम के साथ साथ बढ़ता रहा। हेला ने अकेले ही पूरी एसगार्डियन आर्मी को खत्म कर दिया। एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर्स भी उसके आगे पानी भरते नजर आए। थॉर जब गंगनीर के साथ हेला से फाइट कर रहा था, जो कि ओडिन का भी वेपन था, तो भी हेला का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो हेला को हराना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन हेला की भी एक वीकनेस थी कि हेला की पावर्स एसगार्ड से जुड़ी हुई थी, और एसगार्ड के रहते हेला को हराना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन सर्टर के एसगार्ड डिस्ट्रॉय करते ही हेला भी हार गई। अब अगर हेला और थीना के शोडाउन का विनर डिसाइड करना हो तो कुछ बेसिक चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, जैसे हेला ने पूरी एसगार्डियन आर्मी और शिप्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा ही एक बार थीना के साथ भी हुआ था, जहां उसने लाखों डिवियंट्स को मार दिया था, लेकिन ये काम उसने अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों इटर्नल्स के साथ मिलकर किया था, जबकि हेला अकेले ही एसगार्ड के फाइनेस्ट वॉरियर्स को मार चुकी थी थोड़ी बहुत हेल्प स्कर्जने की, जिसकी जरूरत हेला को थी नहीं एक्चुअली। उससे पहले हेला वेलकिरीज की लगभग पूरी प्रजाति को ही खत्म कर चुकी थी, एक ही किसी तरह से बच पाई। अब वेलकिरीज को ओडिन ने भेजा था हेला को रोकने के लिए, जिसका मतलब ओडिन को भरोसा था कि वेलकिरीज इतनी पावरफुल थी कि वो हेला को रोक लेंगी, लेकिन हेला ने वेलकिरीज के साथ साथ ओडिन के भरोसे को भी मार दिया और बाद में थॉर को भी ओवर पावर कर लिया था। अब थीना की बात करें तो थीना ने लगभग जितनी भी फाइट्स की हैं सब डिवियंट्स के अगेंस्ट ही हैं, बाकी की फाइट्स में पूरी इटरनल टीम के साथ वो इन्वॉल्व रही है। अब थीना की मार्वल कॉमिक्स में जर्नी को समझें तो थीना के पास बेशक कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी बड़ी और सुनने में खतरनाक पावर है, बट ये कॉस्मिक एनर्जी हर एक इटरनल के पास है और सब उसको अलग अलग तरह से यूज करते हैं। थीना इस एनर्जी से वेपन्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन थीना एक इमोशनल कैरेक्टर रही है जो डिवियंट से प्यार मोहब्बत कर बैठती है, फिर बाकी के इटरनल्स उसे समझा बुझाकर उन रिलेशन से बाहर निकालते हैं, और फिर उन्हीं इटर्नल्स के साथ मिलकर थीना अपने एक्स लवर्स से फाइट करती है, और पूरे गोल्डन कॉस्ट्यूम और अवतार की वजह से नॉर्मल ह्यूमंस उसे गॉड्स की तरह वर्शिप करते रहे हैं। तो थीना ने पूरी लाइफ भर एक ही तरह के लोगों से फाइट की है, जो शायद हमें इटर्नल मूवी में देखने को भी मिले अगर कॉमिक्स को सही से फॉलो किया गया तो। दूसरी तरफ हेला की लाइफ में इमोशन और लव अफेयर्स की कोई जगह नहीं दिखी, प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में सबको काटती चली गई, छोटे भाई की एक आंख तक फोड़ दी, और काफी डिफरेंट लोगों से फाइट की। अब एक पॉइंट और है जो काफी इंटरेस्टिंग है कि हेला जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती थी उसको मार्वल ने एमसीयू में ऑफिशियली नेक्रो स्वॉर्ड का नाम दिया था, और मार्वल कॉमिक्स में नेक्रो स्वॉर्ड्स सेलेस्टियल्स को भी मारने में कैपेबल है, वही सेलेस्टियल्स जिन्होंने थीना और इटर्नल्स को पावर दी है, तो हेला का वेपन थीना के क्रिएटर्स को भी हार्म कर सकता था। अब ऐसे एक पॉइंट उठ सकता है कि हेला को एसगार्ड से ही पावर मिलती है, तो उसके बाहर हेला कुछ भी नहीं है, तो हेला ने जब मियोनिर डिस्ट्रॉय किया था तो भी वो एसगार्ड में नहीं थी, मतलब एसगार्ड के बाहर भी हेला पावरफुल थी, बट एसगार्ड में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती थी, और इसीलिए इस थीना वर्सेस हेला शोडाउन में मेरे अकॉर्डिंग हेला विनर है। अब हो सकता है इटर्नल्स मूवी को और ज्यादा ग्रैंड दिखाने के लिए थीना के कुछ नए फीट्स भी दिखाए जाएं, बट अगर कॉमिक्स वाली थीना की बात
करें तो मुझे लगता है गॉडेस ऑफ डेथ हेला ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो इटर्नल्स मूवी की रिलीज से पहले अपलोड होगा या बाद में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो पहले ही मिल जाए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को और redwolf.in पर जरूर विजिट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबियर के वीडियोस देखते रहिए।